हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ अद्वैत्स टेरेस गार्डनिंग में। तो ये फूल आप देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का टॉपिक है हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस गुड़हल, इसको बहुत फेमस कहा जाता है और बहुत मतलब हर किसी गार्डनर के गार्डन में आपको ये मिल जाएगा। ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है। मैं आपको अभी और हिबिस्कस दिखाता हूँ। ये एक और हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है। ये पिंक कलर का हिबिस्कस है और ये वाला मेरा ऑरेंज कलर का है। इसमें येलो का भी है, येलो अभी ब्लूम नहीं हुआ है। तो चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पॉट का सिलेक्शन। ये देखिए, आप मेरे ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, चौड़ा पॉट है और मिट्टी के गमले में है। तो कोशिश करें कि मिट्टी के गमले में ही इसको लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में फिर आप इसको परमानेंट धूप में रखेंगे तो प्लास्टिक के गमले के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और बहुत गर्म हो जाता है प्लास्टिक का गमला। तो प्लास्टिक के गमले में ना रखें इसको तो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, वरना चलेगा उसमें भी, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं चलेगा। तो मिट्टी का गमला ले सकते हो, बड़ा लें, 12 इंच से ऊपर का गमला लें। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसकी सन लाइट की रिक्वायरमेंट। इसको धूप, फुल सन चाहिए, बिना सन के हिबिस्कस में कलियां नहीं आएंगी। देखिए, हालांकि इसका इस टाइम सीज़न जा रहा है, पत्तियां इसकी देख रहे होंगे थोड़ी ड्रूप डाउन करी, क्योंकि ये फुल सन में रखा है और इस पर ओस भी पड़ती है रात में। हालाँकि फिर भी देखिए, अभी भी ठीक ठाक कलियाँ हैं इस पर। तो जब तक आप इसको फुल सन में नहीं रखेंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा और इसमें इन्फेस्टेशन भी हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करिए इसको 5 से 6 घंटे की धूप दिखाने की, तो आपका पेड़ बहुत बढ़िया चलेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि इस पे इन्फेस्टेशन या कीट किस तरीके के लगते हैं और उनसे बचाव किस तरीके से किया जाए। हिबिस्कस पे सबसे ज़्यादा मीली बग्स लगते हैं। आपने देखा होगा मेरे किसी भी पेड़ में कोई भी मीली बग नहीं है, क्योंकि मैं हर 15 दिन में इस पे छिड़काव करता हूँ नीम ऑयल का और सोप सोल्यूशन का। और अगर आपको एक दो ऐसे ही दिख जाए तो आप उनको अपने हाथ से भी हटा के फेंक सकते हैं। तो तेज़ धार के पानी से इस पर आप स्प्रे करेंगे तो कीड़े अपने आप गिर जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट इन्फेस्टेशन का हो गया, कीट पतंगों का हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा इसकी मिट्टी। देखिए, मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। जब आप इसको अंदर और उंगली इतना इतना लगा के देखेंगे, जब इतनी इतनी उंगली आपकी वो अगर आपको उसमें दिखती है कि आपका मिट्टी चिपक रही है आपके हाथों पे, जिस तरीके से इस पे ये देखिए चिपक रही है, तो आपको इसमें पानी नहीं देना है। तो मिट्टी का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ताकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इसमें फिर दिक्कत होगी, वही रूट रॉट की समस्या होगी और फंगस लग जाएगा। तो वेल ड्रेन मिट्टी रखिएगा, मिट्टी के उसमें 70% गार्डन सॉइल रखिएगा, 20% आप इसमें वही कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, और 10% में 5% आप नीम खली, सरसों खली और 5% बोन मील रख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, हाइबिस्कस के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र आपका है केले की छिलकों की खाद। आप वो लिक्विड फॉर्म में भी बना के दे सकते हैं, आप उसको केले के छिलके महीन काट के भी दे सकते हैं, आप उनको छांव में सुखा के आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको दे सकते हैं, लेकिन 15 दिन में एक बार, हर हफ्ते नहीं करना है, ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इस तरीके से आप इसका खाद का भी इसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। और हिबिस्कस में देखिए बहुत सारी वैरायटीज़ आने लगी हैं। तो अभी जो देसी वाली वैरायटी होती मेरे पास, वो दूसरी तरफ रखी है, मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा। लाल और येल्लो के बीच में वाइट वाला जो है मेरा, वो वाली वैरायटी है, दो हैं। तो वो तो बहुत अच्छे से ब्लूम करती हैं, इतना केयर नहीं भी आप करेंगे तो आपको ब्लूमिंग वो देगा। लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी हैं, जो मैंने आपको येलो और वो पिंक दिखाया था, तो इनमें थोड़ी सी केयर ज़्यादा मांगता है। ये अगर मतलब इसकी सॉइल नहीं सही है या इसको कंडीशन सही नहीं मिलेंगी तो ये ब्लूम नहीं करेगा, इसकी बड्स बहुत ड्रॉप हो जाएंगी। तो बड्स ड्रॉप होने की एक बहुत समस्या, इरेगुलर वाटरिंग जब आपकी होती है तो इसकी कलियाँ गिर जाती हैं। तो पानी का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, वरना आपका पेड़ चल नहीं पाएगा और इसकी कलियां गिरती रहेंगी और ये सही नहीं होगा। मेरे रेड वाले हिबिस्कस में दिक्कत आई थी, तो उसके बाद वो ठीक हो गया था, वाटरिंग जब ठीक किया था। तो वाटरिंग का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप खुद से करने लगेंगे, खुद आप प्लांट को समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे,
तो मेरे यहाँ ये समस्या कुछ नहीं, समस्या आती हैं कुछ, आपके यहाँ समस्या आएंगी, तो आप जब तक खुद अपनी समस्याएं, अपने पेड़ की समस्याएं नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं उसको समझ पाएंगे। तो पेड़ का नेचर देखिए, उसको रोज वॉच करिए, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरीके से मैंने मेन मेन पॉइंट्स लगभग कवर ही कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं। तो मेन मेन जो मोटे मोटे पॉइंट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। प्लांट सन और वेल ड्रेन सॉइल, धूप, पूरी धूप और वेल ड्रेन सॉइल, इसकी बहुत अच्छी, मतलब ये आप पूरी कर देंगे तो 50% काम आपका हो गया। बाकी फिर एक्सट्रीम समर से इसको बचाना है, बिल्कुल तेज़ धूप में नहीं रख देना, और जब कोहरा पाला पड़ता है उससे भी बचाना है इसको रात के टाइम से। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, और थोड़े बहुत कीट इस टाइम इसमें इन्फेस्टेशन बहुत होगा क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है, विंटर सेट इन हो रहे हैं, तो इस टाइम दिक्कत बहुत होगी, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेगुलर स्प्रे करते रहेंगे तो आपका पेड़ बहुत हेल्दी रहेगा, कोई भी इसमें कीट पतंगा दिक्कत नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो भी इसको लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।